नमस्कार दोस्तों, आज देश की आर्थिक संप्रभुता से जुड़े हुए एक विषय पर आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मसला है। आप सबकी जानकारी में है कि नोटबंदी जब लागू हुई, जब डिमोनेटाइजेशन स्कैम हुआ इस देश में, नोटबंदी के नाम पर 8 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की जब शुरुआत हुई, तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 8 दिसंबर 2016 को हमने इस देश की सरकार की नीयत पे सवाल खड़े किए थे और एक्सपोज किया था कि कैसे 2010-11 में भारत की सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई कंपनी, ब्रिटिश कंपनी डेलारू को इस सरकार ने दोबारा काम दिया। इस सरकार ने यह जानकारी होने के बावजूद कि इस कंपनी को पाकिस्तान की आईएसआई, जो हमारे देश के जवानों के सर काटने वाले आतंकवादी संगठन हैं, उनका साथ देने की वजह से ब्लैकलिस्ट किया गया था, ऐसी कंपनी को इन्होंने दोबारा काम दिया। और जब हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सपोज किया, तो आप सबको बताना चाहेंगे कि तब उसी दिन शाम को 8:34 पे देश के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली जी का एक ट्वीट आया था। इस ट्वीट में मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अनदर फॉल्स कैंपेन ऑन द सोशल मीडिया बाय द आम आदमी पार्टी। Ministry of Finance has no dealings with the British company named in this campaign. देश के वित्त मंत्री हैं, इस देश की आर्थिक संप्रभुता को सुनिश्चित करने का दायित्व इनके कंधों पर है। चुने हुए नहीं है इसलिए शायद ही लोकतंत्र का महत्व समझते हो, वरना इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठकर और इतना बड़ा सफेद झूठ बोला उन्होंने कि जिस कंपनी का नाम लिया जा रहा है, डेलारू कंपनी का जिक्र हो रहा था उस कैंपेन में, उससे कोई लेना देना ही नहीं है। और हमने फिर उस समय एविडेंसेस सप्लाई किए थे। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, जो आरबीआई की 100% ओन सब्सिडियरी है, इस कंपनी ने लिखा हुआ है कि हाँ, इसका हम डेलारू के साथ काम करते हैं, ये इनकी कंपनी है। हमने वित्त मंत्री महोदय को ये जो BRBNMPL की वेबसाइट है, वहां से ये पेज का प्रिंटआउट निकाल के ट्वीट किया था और कहा था इनसे कि आप यदि ये दस्तावेज देख लेते तो आपको देश के सामने इतना बड़ा झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सफेद झूठ बोला देश के सामने। और ये इतना ही नहीं है, हमारे क्लेम्स को जस्टिफाई करते हुए अखबारों में बहुत सारी कहानियां भी हुई हैं, स्टोरीज हुई हैं कि ये जो मेक इन इंडिया का कैंपेन चलाने वाली सरकार है, दरअसल इनके द्वारा छापा जाने वाला नोट भी पूरी तरह से मेक इन इंडिया नहीं है। और आपके सामने उसी समय इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक 5 दिन बाद स्टोरी आई कि नोटों के छापने में जो सिक्योरिटी थ्रेड यूज किया गया, उसमें गुफफ हो गया, उसमें कुछ पंगा हो गया है। और ये गुफअप किस कंपनी से किया गया था? उसी कंपनी के द्वारा किया गया था ये गुफअप, जिस कंपनी का नाम हमने लिया था, डेलारू का, जिससे जुड़ा हुआ एक्सपोजे आम आदमी पार्टी ने किया था। और इस एक्सपोजे को देश के सामने वित्त मंत्री महोदय ने नकारते हुए झूठ बोला था। हमारी इसी क्लेम को फिर होशंगाबाद की जो यूनिट है प्रिंटिंग प्रेस की, उसने सही करार दिया। 63 पेजेस का ये केस डॉक्यूमेंट है, पहली बार ये आपके सामने ये केस डॉक्यूमेंट आ रहा है, जो आप यहां पे इसका टाइटल पढ़िएगा, एक सूट फाइल किया गया है, सूट फॉर रिकवरी ऑफ ₹11+ crore along with interest at the rate of 16.75% per annum. ये लॉ सूट फाइल किया गया है
होशंगाबाद के प्रिंटिंग प्रेस द्वारा डेलारू के खिलाफ। आप सोचिए, जिस कंपनी से सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है और ये क्लेम देश के वित्त मंत्री कर रहे हैं, उस कंपनी के खिलाफ सरकार द्वारा ओन की जाने वाली प्रिंटिंग प्रेस को लॉसूट फाइल करने की जरूरत कैसे पड़ गई भाई? तो ये तमाचा है, ये जोरदार तमाचा है आपके झूठ पर, आपकी सफेद पोशी पर, आपकी साजिशों पर। सिक्योरिटी थ्रेड का गुफअप हुआ है, डिटेल में लिखा गया है। प्रिंटिंग प्रेस ने गुफअप को क्लेम किया, डेलारू ने उस गुफअप को एक्सेप्ट किया और एक्सप्लेन किया, और उसके बाद ये केस फाइल किया गया है। हवा में नहीं है, कोर्ट के कागजात हैं। ये कैसे हो गया फिर? तो सही बात ये है, सच ये है दोस्तों, कि देश से बार बार लगातार नोटबंदी घोटाले को छुपाने के लिए झूठ बोला जा रहा है, असत्य भाषण किया जा रहा है। और हम जानना चाहते हैं इस देश की जिम्मेदार सरकार से, वित्त मंत्री महोदय से, अरुण जेटली साहब से, कि पनामा लीक्स तक में जिस कंपनी का नाम आया अप्रैल 2016 में, ऐसी कंपनी के साथ आप काम क्यों करते रहे? मौन क्यों? कांग्रेस का मौन समझ में आता है कि कांग्रेस के शासनकाल में ब्लैकलिस्ट हुई, कांग्रेस के शासनकाल में दोबारा परचेज ऑर्डर दिया गया, आप आए तो आपने कंटिन्यू क्यों रखा? वो कौन सा ऐसा लेन देन हुआ है आपके और इस कंपनी के बीच कि इन तमाम सत्यापित आरोपों के बावजूद आप मजबूर हैं इसी कंपनी से काम कराने के लिए, जिस कंपनी ने देश के गद्दारों का साथ दिया, हमारे देश के जवानों का सर काटने वालों का साथ दिया, ऐसी कंपनी के साथ आप काम क्यों कर रहे हैं? वो मजबूरियां बता दीजिए आप, बस। आप देश से लगातार झूठ क्यों बोल रहे हैं? नोट कितना आया इस पे झूठ बोला? हमारे तरफ कहावत कही जाती है, 9 की लकड़ी 90 खर्चा। 16,000 करोड़ रुपए का आपने फायदा कराया, 21,000 करोड़ रुपए खर्च करके कौन सी गणित भाई? वो भी गलत फिगर आ रही है। लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कुछ आंकड़े बोले जाते हैं जो निरा झूठ है, असत्यापित है। तो हम भारतीय जनता पार्टी से, देश के प्रधानमंत्री से और वित्त मंत्री महोदय से तीन बातें जानना चाहते हैं, तीन प्रश्न है हमारे इस देश की जनता के, कि आपकी कौन सी मजबूरी है कि ब्लैकलिस्ट की गई देश के दुश्मनों का साथ देने वाली, आईएसआई का साथ देने वाली डेलारू नाम की कंपनी के साथ आप अब भी लगातार काम कर रहे हैं? आप नोटबंदी से हुए नुकसान के ऊपर जो सच है उस सच को क्यों नहीं बयान कर रहे हैं? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल कि क्या आप अपने इस गुनाह के लिए देश के सामने आकर, अपने झूठ के लिए, अपने धोखे के लिए देश के सामने आकर देश की जनता से माफी मांगेंगे? ये तीन प्रश्न हम इस देश की जिम्मेदार सरकार और उसके रहनुमाओं से पूछना चाहते हैं। मैं नोटबंदी से संबंधित कुछ बातें आप लोगों से और शेयर करना चाहूँगा। कल मैंने बताया था कि आरबीआई ने किस तरह से एक झूठा और फर्जी आंकड़ा देश के सामने रखा है, जिस पर अभी तक आरबीआई की ओर से कोई सफाई नहीं आई है, सरकार की ओर से कोई सफाई नहीं आई है। इसका मतलब जो बात कल आम आदमी पार्टी ने कही थी और हम लोगों ने कही थी वो कहीं ना कहीं सच है। नवंबर के महीने में 14,18,000 करोड़ रुपए का फिगर आरबीआई ने दिया था कि 14,18,000 करोड़ रुपए 500 और 1,000 की करेंसी मार्केट में है, और 14,18,000 करोड़ से एक भी रुपए ज़्यादा आता है तो इसका मतलब वो जाली नोट है, उससे ज़्यादा पैसा है ही नहीं मार्केट में।
और अब आरबीआई कह रहा है 15,44,000 करोड़ रुपए मार्केट में था और जिसमें 15,28,000 करोड़ रुपए वापस आ गया, यानी 1,10,000 करोड़ रुपए तो ये ज्यादा पैसा जमा हो गया बैंकों में। और दूसरा, कॉपरेटिव बैंक्स के और पड़ोसी देश नेपाल का पैसा अभी नहीं आया है, तो वो फिगर मिला के और ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वित्त मंत्री जी जिस प्रकार की दलील दे रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाली है। ऐसा लगता है कि देश के वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री देश की जनता को पूरी तरह से मूर्ख मानते हैं, देश की मीडिया को नासमझ और मूर्ख मानते हैं, और वो अपने झूठ को छिपाने के लिए लगातार झूठ बोलते हैं। कल पूरी एक कैंपेन चलाई गई मिनिस्टर्स की ओर से कि भाई नोटबंदी इस देश में सबसे ऐतिहासिक और देश का भला करने वाला फैसला है। और वित्त मंत्री जी से जब इस फिगर के बारे में पूछा गया तो बड़ी मजेदार बात अरुण जेटली जी ने कही कि भाई नोटबंदी इसलिए नहीं लागू की गई थी कि कौन सा पैसा बैंक में आएगा और कौन सा पैसा नहीं आएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा मजाक आप देश के साथ कर रहे हैं। तब आपने, अगर प्रधानमंत्री जी के 8 नवंबर के भाषण को अगर आप याद कर लें, उन्होंने कहा था काला धन रखने वालों का पैसा 12 बजे रात के बाद रद्दी का कागज हो जाएगा, 1,000 और 500 की नोट, और काला धन इस देश से खत्म होगा। यानी देश के लोगों को ये उम्मीद थी और प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री का ये दावा था कि जो काला धन रखने वाले लोग हैं वो बैंकों में अपना पैसा जमा नहीं कर पाएंगे, और अगर 14,18,000 करोड़ की जगह 11,00,000 करोड़ 12,00,000 करोड़ जमा होता तो आप कह सकते थे 2,25,00,000 करोड़ का सरकार को फायदा हुआ और 2,25,00,000 करोड़ रुपए मार्केट से बाहर हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि ये जो पैसा जमा हुआ है और ये जो नोटबंदी लागू की गई है हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, और बीजेपी और सरकार अपने करीबियों का काला धन सफेद करने के लिए उन्होंने ये नोटबंदी लागू की है। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बड़े उद्योगपतियों, जाली नोट बनाने वाले छापने वाले भाजपा के नेताओं और काला धन रखने वालों का पैसा सफेद करने के लिए ये नोटबंदी लागू की है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। और आरबीआई का एक झूठ और आप लोग पकड़ सकते हैं। 13 दिसंबर को आरबीआई ने देश की मीडिया को बताया था कि 12,44,000 करोड़ की काउंटिंग हो चुकी है, 12,44,000 करोड़ रुपए बैंक में वापस आ गए हैं। यानी 8 नवंबर से 13 दिसंबर तक नोटों की गिनती आरबीआई ने कर ली कि 12,44,000 करोड़ आ गए, लेकिन 3,00,000 करोड़ गिनने के लिए उन्होंने पार्लियामेंट की कमेटी से झूठ बोला, देश के लोगों से झूठ बोला और कहा कि इसके लिए हम नोट गिनने वाली मशीन खरीद रहे हैं, और 8 महीने तक उस नोट की गिनती को छुपाए रखा। तो ये क्यों किया जा रहा है? ये 1,10,000 करोड़ रुपए किसका है? वित्त मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए। और आपने नोटबंदी लागू की थी काला धन खत्म करने के लिए, आपने नोटबंदी लागू की थी नक्सलवाद खत्म करने के लिए, आपने नोटबंदी लागू की थी आतंकवाद खत्म करने के लिए, आपने नोटबंदी लागू की थी जाली नोट खत्म करने के लिए, आपने नोटबंदी लागू की थी इस देश से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। लेकिन अभी फोर्ब्स की रिपोर्ट आई है, फोर्ब्स संस्था की, जिसमें कहा गया है कि एशिया की सबसे करप्ट कंट्रियों में भारत का नाम है। पूरे एशिया में सबसे भ्रष्टतम देशों की सूची में नंबर 1 पर भारत है, और मोदी जी भाषणों में भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, भाषण दे देकर वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। उन्होंने लाल किले से झूठ बोला कि 3,00,000 करोड़ रुपए काला धन बैंकों में वापस आ गया। अरे आप ये कहिए कि 3,00,000 करोड़ रुपए आपने काला धन सफेद कर दिया अपने करीबियों का। कल बेंगलोर के अंदर लगभग 8,00,000 करोड़ रुपए की
जाली नोट पकड़ी गई है 2000 की। अब आप लोगों को याद होगा कि उस समय दावे किए जा रहे थे कि ये 2000 की नोट ऐसी अद्भुत नोट बनी है जिसमें चिप लगा हुआ है और इस नोट को तो जाली नोट बनाया ही नहीं जा सकता। लेकिन 2000 की नोट आने के बाद जाली नोट आने का सिलसिला लगातार जारी है। केरल में बीजेपी का नेता पकड़ा जाता है जाली नोट के छापने के मामले में, और अभी कल बेंगलोर में पकड़ा गया जाली नोट, इससे पहले पंजाब में पकड़ा गया, कश्मीर में पकड़ा गया जाली नोट। तो ना तो जाली नोट रुका, ना काला धन खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना नक्सलवाद खत्म हुआ। तो ये तुगलकी फरमान जारी करके देश की जनता को जो आपने लाइनों में खड़ा किया, 124 मौतें हुई, देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई, इसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को देश के सामने आकर माफी मांगना चाहिए और किसी चौराहे पर खड़े होकर प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था चौराहे पर खड़ा होऊंगा 50 दिन के बाद। अब 9 महीने हो गए, कम से कम किसी चौराहे पर खड़े हो जाए प्रधानमंत्री जी। और वो देश की जनता से सजा की बात वो कह रहे थे, लेकिन कम से कम खुद एक बार माफी तो उनको जरूर मांगनी चाहिए।